आज हम पहुंचे बीकानेर विधानसभा। बता दें बीकानेर का पूर्व विधानसभा है। बीकानेर में दो विधानसभा हैं, एक पूर्व और पश्चिम। ये पूर्व विधानसभा में आता है। यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि 25 तारीख को ये क्या देकर मतदान करेंगे और यही पाँच मतलब जो चुनाव का जो मतगणना का टाइम होगा उस समय ये किसकी सरकार राजस्थान में लाएंगे। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में आपके? अभी अशोक गहलोत जी का ही प्रचार हो रहा है ज्यादातर। अशोक गहलोत जी का प्रचार हो रहा है या काम हो रहा है? काम तो हो गया। काम तो क्या हो रहा है, काम तो हो गया। काम हो गया, काम हो गया सारा। अशोक गहलोत जी कौन सी ऐसी योजना जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी है? अशोक गहलोत जी की सारी योजना अच्छी अच्छी है। एक तो उन्होंने जो चिरंजीवी योजना लागू की है वो हर आदमी के लिए बहुत फायदेमंद, और एक जो कर्मचारियों के लिए जो उन्होंने ओल्ड पेंशन का स्कीम लाया थे वो सबसे अच्छी है। तो कर्मचारी ओल्ड पेंशन की बात करते राजस्थान में लागू है, राजस्थान में थोड़े लागू है ये। इसके अंदर के कर्मचारी है वो सारे सारे गहलोत जी की तरफ से झुक रहे हैं। ये तो हो गया राज्य की बात। अगर आपके विधान किस विधानसभा में आते हैं आप? इस आप यहाँ आते हैं गहलोत है ना, ये कौन सा बीकानेर पश्चिम? यशपाल, यशपाल गहलोत पूर्व में आता है ना। हाँ, तो पूर्व में यहाँ से तीन बार से बीजेपी के विधायक हैं। हाँ हाँ, वो तीन बार। इस बार क्या लग रहा है? अब की बार वो है इस गहलोत के कार्य पर नजर डाल रहे हैं सारे जनता। तो जो यशपाल गहलोत अभी जिनको टिकट मिला है कांग्रेस से, ये तो अभी नए युवक हैं, तो इनसे आप लोग का मिलना जुलना कैसा है? मिलना जुलना चाहे हो ना, हम तो गहलोत की प्रशंसा करते हैं। इनका कैसा व्यवहार है क्या है इनका तो पता आगे लगेगा, लेकिन वो गहलोत की सिद्धी कुमारी का सिद्धी कुमारी है वो अच्छी है। वो न किसी का बुरा न किसी का भला, अपने भला भी नहीं, भला भी नहीं बुरा भी नहीं, वो तो एकदम सही है आपके हिसाब से। बुरा तो ठीक है लेकिन भला तो करना चाहिए ना जनता के बीच में है विधायक। जनता उसके पास में कोई जाती है तो उसका काम तो होता ही है, जो उसके पास जाते हैं तो उसका काम होता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी है वो सारी मतलब कर्म नेत्र से हाथ मिला करके खुश ज़्यादा रहती है। कभी काम से नहीं बस हाथ मिलाने से, जाने चाहे नहीं जाने, कभी मेरे से वो मिल गए, मेरे से उसकी मुलाकात हो गई, फोटो खिंचवा के लगा देती है, उसे वो ज्यादा प्रभावित है आज के युवा। अच्छा, युवा की बात हो गई, बुजुर्ग व्यस्क जो है अभी भी राजनीति को ऐसे ही देख रहे हैं जैसे पहले देखते थे या कुछ बदला है, बदला हुआ है? बुजुर्ग वो तो फूल के ऊपर देंगे सिंह, फूल के ऊपर देंगे वो तो। और आप लोग? वो अब युवा पीढ़ी है वो तो उनके ऊपर देंगी, हाथ के ऊपर देंगी, उनको कार्य दिख रहा है ये इतना कार्य किया है हमारे को, इतना कार्यों से मतलब है ये बात। और भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं ये कह रहे हैं अशोक गहलोत की योजनाओं को लेके अच्छा काम किए हैं, आपको क्या लग रहा है? गहलोत जिन तो रेवड़ी बांटी है वो अच्छा क्या काम किया है। रेवड़ी कैसे बांटी? कोई भी कहीं विधानसभा का चुनाव हो, कोई भी सरकार हो, वो कुछ ना कुछ योजना देती है। कांग्रेस तो घोषणा करती है, कोई लागू नहीं होती है, सिर्फ घोषणा में रह जाती है। कौन सी घोषणा ऐसी है जो लागू नहीं हुई आपके हिसाब से? भाई लागू अब तो चुनाव के बाद कोई लागू होगी, पहले तो कोई लागू होने का सवाल ही नहीं है। ये कुछ नहीं होगी, पहले कहा था किसानों का वो माफ़ कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। तो बीजेपी मतलब किस बेस पे, काम के बेस पे? तो अगर बात करें अभी ये कह रहे थे कि अशोक गहलोत का काम राजस्थान में अच्छा है, तो बीजेपी मतलब किस बेस पे, मोदी का चेहरा देख के आपके विधानसभा में बात करें तो राजकुमारी का चेहरा देख के? गहलोत जी तो चोर बाजारी है, राजकुमारी है तो वो तो साफ है, साफ है। हाँ, सीधा काम करती है, जाता है उसका काम कर देती है, होता है वो काम कर देती है, बाद बाकी गलत काम हो ना तो करती है ना किसी को मदद करती है, सही काम के अंदर में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अभी ये कह रहे ज़्यादा कि राजकुमारी जी काम अच्छा करती हैं, जनता से मिल जाती हैं। नहीं, जो काम तो करती है तो वो आप बीकानेर के अंदर थे इतने सालों से, क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है वो आपके सामने पड़ा है। मतलब किस तरह का आप विकास चाहते थे जो बीकानेर से नहीं? बीकानेर में एक तो आईआईटी कॉलेज नहीं है। अच्छा, मेडिकल की सुविधा? मेडिकल की सुविधा है ना? हाँ, मेडिकल की सुविधा तो है, वो तो पहले से ही है, इन्होंने तो कोई किया नहीं, वो पहले से ही है। इन्होंने कोई ऐसा प्रस्ताव पास करा करके नहीं लगाया कोई प्रोजेक्ट जिसके अंदर कर्मचारी और मजदूर सारे काम कर सके, बात ये है इनकी। तो अगर आईटी की आप बात कर दो तो विधायक करता है सांसद को भी तो यहाँ से एक्टिव होना चाहिए। हाँ, तो सांसद के अंदर है तो सांसद के अंदर तो वही होगा, केंद्र के अंदर तो मोदी है, अच्छा काम कर रहा है तो उनको देंगे वोट। कह रहे हैं कि बीजेपी का सांसद, बीजेपी के विधायक, उसके बावजूद भी एक आईटी नहीं आपके यहाँ पे भी? अरे आईटी ये जितना भी कॉलेज वगैरह है सारा इसके दादा परदादे का ही है। गहलोत जी का क्या है यहाँ पर, क्या किया गहलोत जी ने? गहलोत जी बाकी योजना अगर 25 लाख रुपए का लोगों को दे रहे हैं, स्वास्थ्य की योजना चला रहे, 25 लाख दे रहे हैं, सभी गरीबों को मुहैया करा रहे। नहीं नहीं, तो ये तो सब क्या है कि भाषणबाजी है और देने लेने को कुछ नहीं है। अच्छा, आप काफ़ी सालों चुनाव देख रहे होंगे, टाइम हो गया होगा, इस साल का जो चुनाव है कुछ अलग नज़र आ रहा है कि बस वैसा ही है जैसा चलता रहा है?
ऐसे तो चुनाव चलते रहते हैं, मगर क्या है कि आजकल जनता जागरूक हो गई है, हर चीज सोच समझ के अपने मत से करते हैं, कहने से किसी के दबाव में नहीं। अभी जागरूकता की बात कर रहे थे तो चाचा कह रहे हैं कि आजकल के जो नए युवक हैं वो नेताजी के साथ फोटो खिंचवा लिए तो खुश हो जाते हैं कि नेताजी को हम जानते हैं। नहीं नहीं, वो तो फोटो कहता नहीं देते, उसके बाद नेताजी को वोट भी देते? नहीं नहीं, वोट नहीं देते, फोटो भला ही कहता है, फोटो खिंचवा के वोट नहीं देते। फोटो से वोट नहीं मिलते, बाकी वोट नहीं देते हैं। अरे कर्मचारी साथ में फिरते हैं, बाकी वोट नहीं देते हैं उनको। युवक फोटो खिंचवा लेते, वोट नहीं देते? वोट नहीं। बुजुर्ग? बुजुर्ग तो अपना वोट देते हैं, उस पार्टी को ही देंगे। बुजुर्ग क्या सोच को वोट देते हैं? राजस्थान के बीकानेर के जो बुजुर्ग हैं क्या सोच को वोट देते हैं? बीजेपी को देते हैं। बस बीजेपी सोच के देते हैं कि कार्य सोच कार्य विकास विकास होता है, विकास होता है। बाकी बीजेपी से पहले विकास नहीं हुआ था बीकानेर में? कुछ नहीं हुआ था, वसुंधरा करा के गई, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ यहाँ। जब वसुंधरा का लेके एक और होता है, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वसुंधरा ने सबसे ज्यादा दारू के ठेके खोल दिए। दारू के ठेके तो आज से क्या बरसों से क्या हुआ, गलती किया, दारू का ठेका खोल दिया। काम हुआ ना बीजेपी में, ये काम तो बीजेपी में हुआ ना सबसे ज्यादा? कौन सा दारू वाला? हाँ, ठेके का सबसे ज्यादा काम तो बीजेपी में हुआ था। ये दारू वाला तो ये देखो कांग्रेस का ही काम है, बिहार के अंदर में देखो क्या हाल हो रही है। अरे दारू वाला काम तो कांग्रेस का ही है, पराकर बीजेपी का क्या है? यानी वसुंधरा राजे के टाइम सबसे ज्यादा ठेका मिला था, लोग हम बात हुई थी। अब उससे ही ज्यादा है, वसुंधरा के टाइम से ही ज्यादा ठेके हैं। मतलब ठेके को लेकर यहाँ बात होती है कि रात में 12-12 बजे तक यहाँ दारू मिल जाता है? मिलता है रात को 12 बजे। प्रशासन इस पर रोक नहीं लगाती, कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई कौन करता है, सब पैसे लेते हैं, सब पैसे लेते हैं, सब बंधे हुए हैं। तो आपके विधायक जी या कुछ ऐसा कहीं से मान ली रात में 12 बजे दारू मिलेगा, घटना ज्यादा होगी, तो कभी आपके विधायक जी ने या किसी ने रोक टोक लगाया इस पे? आने लगा रोक लगाते हैं, परंतु वही बात है, 2 दिन नहीं है, 4 दिन बाद में वही चालू है। अच्छा, बहुत अच्छी बात कर रहे थे विकास योजना और ये सब लेके, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की तो अशोक गहलोत सचिन पायलट में हमेशा लड़ाई विवाद 5 साल के बीच में रहा है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? लड़ाई उनके बीच में सिर्फ कुर्सी की थी लड़ाई, सचिन पायलट ये रहता कि मेरे को मुख्यमंत्री बना दे, और ये मुख्यमंत्री लायक ही नहीं है, कैसे बना देंगे तेरे मुख्यमंत्री को? लायक नहीं है, फिर भी पार्टी इनको दोबारा ले ली, दोबारा प्रचार करा रही है पार्टी के अंदर। कि पार्टी का जो पोस्टर नया लॉन्च हुआ है उसमें सचिन पायलट को भी रखा गया अशोक गहलोत? तो रखना तो पड़ता है, पार्टी का मतलब लीडर है इसलिए उसको रखना तो पड़ेगा, क्यों मुख्यमंत्री रहा हुआ है वो तो रखना पड़ेगा, यदि नहीं रखे तो उस पार्टी के अंदर बगावत ज्यादा हो जाती है, उसको रखना पड़ेगा। तो इस बार मगर सत्ता में जीत के आती है तो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? गहलोत ही होगा, यदि सत्ता कांग्रेस की आती है तो यही होगा, मुख्यमंत्री गहलोत ही कन्फर्म है। या आपका मन है या मतलब कन्फर्म है? कन्फर्म नहीं, एकदम पक्का विश्वास है, 100% गहलोत जी को देना चाहिए। गहलोत जी का ही होगा, मतलब मुख्यमंत्री होगा तो वही होगा। यानी जादूगर का जादू फिर चलेगा? फिर चलेगा, फिर चलेगा। चलिए, एक और बुजुर्ग लग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? आपके जादू उड़ जाएगा, उसका जादू उड़ जाएगा। बीजेपी आएगी, कौन सा ऐसा बड़ा मंत्र कौन मार देगा? 30-35 सीटें आएगी बीजेपी की, 200 में से। अच्छा, मोदी जी मंत्र मार देंगे अशोक गहलोत? मोदी जी मंत्र मार देंगे, गहलोत जी जाएंगे हवा में। ये कह रहे हैं गहलोत जी हवा में चले जाएंगे, इनको पता कैसे है? हिमाचल के अंदर उन्होंने एक सिर्फ एक ही बात कही थी कि हम आपके ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, तो उन्होंने सरकार का तख्ता पलट दिया था। अच्छा, ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं कि हिमाचल में एक बार अशोक गहलोत बोले तख्ता पलट हो गया, आपके यहाँ नहीं होगा तख्ता पलट? नहीं नहीं, ओल्ड पेंशन मिलता है आप लोगों को? गवर्नमेंट एम्प्लाई थे आप? नहीं, प्राइवेट है हम तो। गवर्नमेंट वालों तो ओल्ड पेंशन सरकार बंद कर दी, मान ली बुजुर्ग जब हो जाएगा 50 साल ज्यादा तो पेंशन भी नहीं मिलेगी और खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने तो कई तरह की चालू कर दी पेंशन, जो वो मिलिट्री मैन थे उनके लिए वो जो पेंशन थी रुकी। कोई मोदी जी के पास में 67 लाख कर्मचारी CPF वाले हैं, उनका अभी तक 2 साल से जोर चल रहा है, उनके ऊपर लागू नहीं हो रहा सारा मामला, और इस गहलोत ने एक झटके में कर दी नहीं कि हम ओल्ड पेंशन आपको देंगे। जिन्होंने जमा कराए थे उन्होंने आ गई पेंशन तो, और इसके अंदर कोई सुधार करे ना गहलोत ना, और सुधार थोड़ा कर देना तो इसकी 100% सरकार आती है। 100% हाँ, इसके अंदर थोड़ा सुधार कर देना। किस तरह का सुधार? सुधार ये है कि जिन कर्मचारियों का पैसे उसके अंदर कटा और सरकार के अंदर जमा पड़ा है, उस डिपार्टमेंट को ये फाइल कर दे कि इस डिपार्टमेंट के अंदर इन कर्मचारी का पैसा पड़ा है, उन पैसों से और जो पैसे हम जमा करा रहे हैं इनका अंतरराशि जमा करा करके और इसको संतुष्ट कर दो, तो ऑटोमेटिक ही उसकी सरकार आती है। क्या कह रहे थे आप, अभी कुछ कह रहे थे?
इनकी बातों को लेकर ओल्ड पेंशन के लिए आप कह रहे थे कि गहलोत से ज्यादा वाले मीठी गोली दी हुई है सिर्फ कि हम आपको पेंशन देंगे, आप 16 लाख रुपया जमा कराओ। अब ना तो हमारे पास 16 लाख होगा और ना हमारी पेंशन चालू होगी। नहीं तो अगर ये चाहते हैं गहलोत जी कि भाई पेंशन दे रहे हैं कर्मचारी को तो उसकी पेंशन में से जमा। गहलोत जी पेंशन देने की बात कर रहे हैं और मोदी तो सीधा पेंशन बंद करने की ही बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मोदी कोई पेंशन बंद नहीं कर रहा है। पेंशन तो मोदी सरकार में बंद हुआ है। कौन कर्मचारी 8 लाख कर्मचारी अभी थोड़े दिनों पहले इकट्ठे हुए थे, फिर भी उन्होंने संतुष्ट नहीं कर बैठे थे, अनशन में बैठे अनशन पर बैठे हुए अभी फिर भी उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। जिसको 1 लाख रुपये तनख्वाह मिल गया उसको CPF की 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी तो वो कैसे अपना काम चलाएगा? ये सोचने वाली बात है। और भी कुछ लोग मौजूद है, क्या कह रहे थे आप ओल्ड पेंशन को लेकर? मैं कह रहा हूँ मोदी जी कुछ नहीं करने वाले हैं। मोदी कुछ नहीं करने वाले ना, अभी आपके साथी कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत सारा काम कर। मैं कहता हूँ 100% ये मुख्यमंत्री सब कुछ कर दिया हमको, बूढ़े आदमी को चाहे कुछ भी दो दे रहा है, खाने के लिए चाहे खाने के लिए जाओ नहीं लेकिन वो दे रहा है। क्यों दे रहा है? वो सोच रहा है वो खुद भुगत भोगी है, खुद भुगत भोगी है मुख्यमंत्री, खुद भोगी है। हाँ मोदी जी, हाँ मोदी जी कुछ नहीं है कहने के लिए कह देते हैं, करते कुछ नहीं है। वर्ल्ड में नाम कर दिया और कांग्रेस को 70 साल हो गए कोई वर्ल्ड में जानता ही नहीं है। नहीं जानता, अरे वर्ल्ड में नाम करा देंगे तो ये जो इंदिरा गांधी है वगैरह वगैरह है तो क्या है कि मोदी जी ने जितना नाम किया है वर्ल्ड में उतना उनका नाम नहीं हो। विदेशों में नाम हो गया लेकिन देश के अंदर विकास नहीं, जनता खुश नहीं है तो फिर नाम से कैसे नहीं है? क्या बात कर रहे हो? सुरक्षा के अंदर में मिलिट्री है, सब पाबंदी कर रखी है, सब साधन दे रखे हैं उनको, हर तरह का कारखाना। कोरोना के अंदर जो मोदी जी नहीं और वो वैक्सीन नहीं बना तो पब्लिक ये बच ही नहीं सकती थी। वैक्सीन तो साइंटिस्ट और डॉक्टर बनाए थे कांग्रेस वाले, तो बनवाई से मोदी नहीं थी और मोदी नहीं बाहर सप्लाई करवाई। कह रहे हैं वैक्सीन नहीं बनवाया तो मोदी तो लोग जिंदा नहीं होते। सही बात है, सही बात है। ये मुख्यमंत्री नहीं होते ना तो हम बचते नहीं, हम अब तक फोन खेल जाते। ये मुख्यमंत्री हो ये दुकानदार चाय वाले भी मौजूद है, जाता है इनसे बात करते हैं। अभी यहाँ लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा अशोक गहलोत, कोई कह रहा नरेंद्र मोदी, आपको क्या लग रहा है? जीती बात है वाला के ओण दई ने जीती मुंह है, जीती बात है, कोई कांग्रेस रो कोई बीजेपी रो है। तो आप क्या कह रहे हो ओल्ड पेंशन को लेकर? अगर आपके दुकानों पे लोग आते होंगे बुजुर्ग बात होती होगी ओल्ड पेंशन भी लागू नहीं ना। मैं इंटरेस्ट नहीं लेता भाई, इंटरेस्ट नहीं लेता राजनीति में। अच्छा वोट देने जाएंगे तो क्या किसको सोच के क्या देंगे वोट, किसको देंगे वो तो उस टाइम बताएगा, अभी क्या बताएं। अरे कुछ बताइए ना, थोड़ा हमसे बात कर लीजिए क्या सोच के देंगे, पता तो चलना चाहिए यहाँ की जनता क्या सोचती है। हम तो एक बीजेपी के आदमी है तो बीजेपी की वोट मिलेगा। बीजेपी चलिए ऐसे ही सभी विधानसभाओं का दौरा करते रहेंगे और बताएंगे क्या कुछ मिजाज है, यह सब जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए नमस्कार।